अकेली औरत और इतनी मोटी जिंदगी। जो सीट नंबर हो ना उस पे बैठना चाहिए, ये कह रहा मेरे विंडो वाले पास बैठना है। विंडो वाले पास। अच्छा तुम क्या हो भाई? हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत फनी वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं बेस्ट ऑफ खबरदार विद आफ्ताब इकबाल लेटेस्ट एपिसोड, बेस्ट ऑफ आगा मजीद, अमानुल्ला, सलीम अलबेला। तो ये वीडियो हमें बहुत टाइम से रिकमेंडेशन में आ रही है, और अभी अभी जो हमने एक वीडियो करी थी आगा मजीद और आगा मजीद जी की और इफ्तिका ठाकुर की, उस वीडियो में भी इस वीडियो के लिए रिकमेंडेशन आया कि हमें ये भी देखना चाहिए बेस्ट ऑफ खबरदार। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो तो पूरी फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन है इस वीडियो में, और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। तो मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कसाब की दुकान पर काफी रश नजर आ रहा है। ये तुसी ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। तुम अपना नाक सीधा करके क्यों नहीं बोलते? तन मेरे नाक को मसला की है। तुम हो कसाब? हाँ जी। लेकिन तुम्हारा नाक जो है वो साडे नाल दा। सही गोश्त देना तो परसों भी पानी वाला दे दिता है, बेगम ने सुक्का बनाया छोरे वाला बन गया जी। सिंधी खरबूजे का मुंह तड़ा गोल जा। तुस सुना मिरासी ठीक है? पलाड़ दी नीयां कढ़ियां ना तेरे वर्गे 18 पटवारी थलो निकलदे ने, तेरे वर्गे 3-4 सप निकलदे जिन्नू बच्चे डंडे नाल मार दिंदे। केड़े मसले खोल के बह गए हो बीबी जी, चलो जल्दी साहब। बहुत क्यूट है, इनकी मदद करनी चाहिए। चाहिए सब क्या काम करें? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स में हैं। बीबी जी चुल्ला इत्थे लाया मैं। चाह पी के ना कप तोड़ दई। केवें इहदे च किसी होर नहीं पीनी। सारी चर्बी दे दित्ती है। अच्छा मेरा साहब मेनू लित्तर मारे ने, सारी चर्बी है जी, ढाडा लगता है। थोड़ा परे थी भाई, थुक्का था ना। बड़ा अच्छा गोल बोटी का गोश्त आज ही पका लो। और नहीं 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 मेरे साहब मेनू लत्तर मारा ने जी, मेरे को तो जगह ही कोई नहीं, मारे कि थे उन्हें। तवे के ऊपर आप मक्खन डालें और मक्खन के अंदर फ्रेश 3-4 बड़ी मिर्चें, उनका पेट चाक करते ना 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 ना, ये जो बारीक वाली नहीं मिर्ची नहीं। तेरा अब्बा गलत दसता पिया, गलत दसता पिया। जेड़े ले मक्खन दे विच मिर्चा सटने दा उंदे उत्ते वाल कोई भांडाई में मुंधा मारने, क्योंकि वालो उड़दे ने पटाक पटाक पटाक। उसके ऊपर रोटी रख दो, रोटी 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 मैं तो लगदा चौधरी वापस आ गए। प्रासी गोश लुट लो, मैं जरा रेसिपी। पकौड़े 4 ने जी। हां जी, एक हरी मिर्च, एक या दो हरी मिर्च। वाह भाई, इन्हें पिस्तौल बेच के खड़ी ले ले। ओ देखो मरासी हो ताई किथे पहुंच गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ बेस्ट गोश्त गर्दन का गोश्त। इन चौके ला जाओ, उधर डाकुओं की रोटी पकाया करेगा। मैं अपने आप नूं गोली मार लेनी है। क्यों? केड़ियां खुराकां दस के आप सौ जांदा सी मुसीबत च पै रहे ने। जी मरियम, खबर है कि ढाका में बीवी का गुर्दा फरोख्त करने वाला शोहर साथियों समेत गिरफ्तार। झूठ है बाबा, झूठ है, मैं इसका गुर्दा कैसे निकाल सकता हूँ? ये कौन है गुर्दा है जी? बीवी है मेरी, बीवी है, मैं इसका खावन हूँ। ये तुम्हारी बीवी है? ये सारी मेरी बीवी है। इसके गुर्दे से छोटे तो तुम हो। ऐसी कौन सी बात है, ये गुर्दा किसे ट्रक दे? नशा खुद नहीं किया, मुझको नशा लगा, धोखा हुआ मेरे साथ। ये मेरे ससुर है, इसने धोखा किया मेरे साथ। क्यों भाई? अरे मैंने तो बेटी दे डाली मालिक। इंडियन फिल्म च ना मुझे बाबे दे एक डायलॉग होता है, ठाकुर फिर बिटिया उठा ले गया। ओ यार तुमने शादी की क्यों? ये अच्छा खासा होता था, नशा कर करके कुल गया, मर जाना। कहता जिस डॉक्टर ने ऑपरेट की था ना सर, उन्हें पहले 6 महीने जिम किया है। मर जाने खुश रहे, मेरा प्रेशर रेंज च होया सी। सर बेहोश नहीं सी हो रही, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की थी, इनू फाय लाया, इनू नेजे मारे ने। बात सुनो, तुम्हें क्या सूझी क्या उस बेचारी का गुर्दा निकाल? हर इलाके में गुर्दा 2 लाख का बिकता है। हाँ। मैंने कहा इसका तो 2 करोड़ का भी दे दो। तुम्हारा ख्याल है गुर्दा लोग वजनन खरीदते? क्या अच्छा कहा है आफ्ताब आपने, इस बेचारी का ऐसा ही हमदर्द मुझे चाहिए था।
आज भी मेरा आइडियल इसी तरह ब्लैक सूट, अच्छा एंकर हो, अच्छा लिखारी हो, इन्हें दूजा गुर्दा भी कटवा, कोई क्रिएटिव माइंड हो, वो मेरा आइडियल। मेरा भी वही आइडियल है। हल्की हल्की किधरे किधरे पांडगिरी भी करता हुए। पांडगिरी? आप मैरिड? ओ बाजी जान दे, बड़ी दिल गुर्दे वाली गल ही, तेरे को तो पहले एक रह गया। मैंने सवाल किया मैरिड हो? हाँ जी हूँ। इतना दुखी हो गए क्यों कह? आप स्पोर्ट्स की बात कर रही थी पैनक्रीस गेल। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो मेरे कोई नहीं, सिर्फ मैं गुर्दे ही देते हूं तक। बाबा ने भी अपना गुर्दा बेचा है सर। अच्छा। और उन्हें पाइया शकरकंदी दे दी। भाजी आपका दुख सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, अकेली औरत और इतनी मोटी जिंदगी। जो सीट नंबर हो ना उस पे बैठना चाहिए, ये कह रहा मेरे विंडो वाले पास बैठना है। विंडो वाले पास। अच्छा तुम क्या हो भाई? मैं एयर होस्टर हूँ। एयर होस्टर हो तो? हाँ जी। टके दे नहीं, ये भी हमारे जहाज में था, जहाज बिल्कुल बैठवा जा रहा था। अच्छा ये मुसाफिर था? ये और जहाज नु तका लाउंदा है। मैनू बहुत जलील किया है पैसेंजर मेरा, एहो जिहा मिनट बाद कोई ना कोई चीज मांग लेंदा, कदे पेचकश चाहिदा, कदे कहिंदा मैनू कई चाहिदी है, ये चीजां विच हुंदियां ने ये मुसाफिर। तुम पंजाबी में बात करो। देखो जी गल ये है भी जेड़ी चीज लोड़ पेंदी है बंदे ने लेनी लेनी है। ये है तुम्हारा असल अंदाज। जहाज दा टिकट दिता ना, कोई चंगी रोटी ना, कोई ओदे च लंगर ना लेना ना दे। ते तेरी फूफी चुल्ला रख के बैठी सी कोई चंगी रोटी। सो सस्ती टिकट किसी एयरलाइन दी है ही नहीं सर। एस एयरलाइन दी बिजनेस क्लास लवो ना ते नाल रिश्ता भी दिंदे ने सर। और बिजनेस क्लास से चूही दा मुजरा। चूही दा मुजरा? ओ शिट। देखो ते जदो एयर पॉकेट आंदे ना तो उदो फिर मैं एंटरटेन कर लिया ना। जदो एयर पॉकेट आंदे ने फिर किसे दी पॉकेट चो लभदी है। ओ की हो गया एयरलाइन चंगी भली जे? ओ माड़ी एयरलाइन होर की है, जे च खटमल लड़न दे आ, मच्छर लड़न दे आ। पैसेंजर देख लो ना किस तरह दे, और एथो सामान नहीं चढ़ाई दा, उथो इनू चढ़ाया। देखो जहाज अजे उठता भी नहीं तो लोग पानी मंगन लग पे, इन्हें जो के नहीं तो ना बैठे घर से क्यों नहीं पी गया भी होंगी है। मैं को दो बारी पानी मंगया, तीजी बारी मैं आवाज दी कहती मैं भरन चली गई। नहीं तो भरने कहां से गई थी? जहाज साडा इंज ना पिछे से हथी वाला नलका भी लवाया उ पैसेंजर नहा भी लेंगे। मेरा खाम जेडे ने ते भाए ने वो साइंसदान ने। और बाकी शादी भी उन्होंने किसी तजुर्बे के तौर पे की। और जनाब मैं ते कहना एहो जी एयरलाइन नो बंद हो जाना चाहिए था। तो बंद होना चाहिए था। से मगर पे आ जाए इसे तरह जहाज दे विच करते रहे हैं। मेरी घड़ी अख नहीं लगी। अब तो सब इन्होंने मेनू बहुत सताया यकीन करो। घड़ी मुड़ी कवे मेनू बेल्ट पूरा ही नहीं आता, फिर मैं खरे कितों रस्सा ले आई। मैं पूछया खाने च की है? जिन्ने तू किराया दे के आ रहा है ना, शुक्र कर तेनू चिप्स का पैकेट देता है। 15 रुपए वाला नहीं तो छोटा। कैप्टन दे जहाज छड़ के बेचण भी लग पैंदा बेच। आले कश्ती केक हुंदा छोटा, उसको कप केक कहते हैं। तुसी कहंदे होगे सी कश्ती कहिदा, एक छोटा पैकेट हुंदा बारीक दाल वाला, जिहड़ा 10 रुपए दो नहीं आउंदे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪ ਹੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਚੁਲਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂੰਗਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮੇ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਛੁਹਾਰਾ ਤੇ ਦੋ ਬਦਾਮ। ਜਿੱਚ ਦੋ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਵੇ। क्या बात है यार, इतना ज्यादा फनी एपिसोड था, इतना ज्यादा कि मतलब पूरा टाइम हम लोग हंसते हंसते हमारा टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कि ये 8-8.5 मिनट की क्लिप थी। सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, हर एक बंदे की एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज उसमें ये लगी
कि कोई एक दूसरे को देख के हंस नहीं रहा था और सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे. सबसे फन फैक्ट ये था, तभी मजा भी आ रहा था, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे. हाँ. और वो उसमें उसी में उलझे हुए थे कि कभी एयरलाइंस का मजाक उड़ाओ, कभी किसी बंदे का कि ये चूहिया वहां पे मुजरा करती है, ही ऐसे होता है. इतना अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल क्लिप बहुत पसंद आई. क्या बोलूं मैं इस वीडियो के लिए, मतलब इस पूरी वीडियो में कोई एक सेकंड का भी टाइम ऐसा नहीं होगा जिस पंच में मुझे हंसी ना आई हो, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इतने फनी पंचेस थे, मजा आ गई. मतलब मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी, आप सब सब्सक्राइबर ने इस वीडियो की रिकमेंडेशन दी थी, तो थैंक यू सो मच कि आपकी रिकमेंडेशन की वजह से हम इतनी अच्छी और एंटरटेनिंग वीडियो एंजॉय कर पाते हैं. ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आपकी नॉलेज में होंगी, तो अगर आप ऐसी वीडियोस को जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हम बहुत खुश नसीबी इस चीज को महसूस करते हैं कि इतनी अच्छी वीडियोस आप हमें सजेस्ट करते हैं. तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो और वीडियो को लाइक करके जाना. और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.